सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनियों का नमस्कार। मैं कल से दो दिन के त्रिपुरा के प्रवास में था, तो आज दो दो पुण्य का काम हो गया मेरा। एक है माँ त्रिपुरा सुंदरी वहाँ का मंदिर में दर्शन भी हो गया, और दूसरा हमारे पार्टी के प्रेरणा पुरुष प्रेरणा स्रोत पार्टी के संस्थापक हृदय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पार्टी को इस गति और इस रचना संरचना दोनों जो दिया ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आज उन दोनों के मूर्ति पर माल्यार्पण का श्रद्धा सुमन अर्पण करने का मौका भी मुझे मिला। और इसके साथ तीसरा है कि इस मंडल के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी का दर्शन भी मुझे मिला। अभी आने वाला जून 23 तारीख वो हृदय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान का दिवस, उन्होंने कश्मीर को भारत में रखने के लिए, कश्मीर को सदैव भारत के साथ जुड़े रहने के लिए उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन के तहत उन्होंने श्रीनगर गया, वहाँ सरकार ने उनको बंदी बनाया। उन्होंने जब बंदी रहते समय उनका बलिदान भी हो गया। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तरफ से कश्मीर के लिए, अखंड भारत के लिए उन्होंने अपना जान गंवा लिया, ऐसे हम कह सकते हैं। वो एक बंगाल के सपूत थे, तो बंगाल में भी हिंदुओं के लिए कुछ बंगाल के हिस्सा बचना है, तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन अंत में किया। तो बाद में वो नेहरू जी के सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एक तुष्टिकरण के अपीसमेंट का राजनीति करते थे उस समय से, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ते लड़ते बाहर आ गया और बाद में भारतीय जनसंघ का उन्होंने स्थापना किया। एक मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया सत्ता के लिए, ऐसे ही जुड़े रहना ऐसे नहीं सोचा, मंत्री पद के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने शुरू किया तो उसका पहला महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, तो वो तो संस्थापक अध्यक्ष थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहला महामंत्री थे। उन दोनों ने हमारे पार्टी को आज त्रिपुरा में जिस गति से बढ़ रहा है उसका प्रेरणा स्रोत वो दोनों हैं। जून 23 तारीख को उनका बलिदान श्रीनगर में हुआ, जुलाई 6 तारीख को उनका जन्मदिन हुआ, यानी आगे आने वाला 15 दिन उनका बलिदान दिवस से जन्मदिवस का एक महापर्व है हमारे लिए। हम इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन की विचार की संदेश उन तक पहुंचाना और बड़े मात्रा में हजारों की संख्या में वृक्षारोपण की कार्यक्रम उनके स्मरण में करना, एक कार्यक्रम हम दोनों ने सोचा, हमारे पार्टी ने सोचा है। तो मैं सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनियों से, भाई बहनों से मैं विनंती करता हूँ, हम कार्यकर्ताओं तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन और विचार का संदेश भी पहुँचाना है। दूसरा, उसी समय प्रकृति के तरफ, समाज की तरफ हमारा जो संवेदना है उसको वृक्षारोपण के मार्ग पर हमने वृक्षारोपण करते हुए उनके याद में हम कार्यक्रम करना है। इतना आप सबके साथ मेरा विनंती है, आप सभी के साथ। वैसे आने वाला सितंबर 25 तारीख 3 महीने के बाद तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी है, तो उस समय भी हम उनका स्मरण करते हैं। आज हमारे पार्टी जो जिस तरीके से खड़ा हुआ है उसका पद्धतियाँ जो है, हर एक घर में एक पद्धति रहता है, हर एक जाति बिरादारी में एक पद्धति रहता है, हर एक समाज में एक पद्धति रहता है, तो पद्धति के लिए कोई एक प्रेरणा पुरुष रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे पार्टी में जो पद्धतियाँ हैं, आंतरिक लोकतंत्र है, सदस्यता बनता है, हर 3 साल अध्यक्ष बदलते हैं, जो जो अच्छे पद्धतियाँ हमने लिख सकते हैं वो सभी पद्धतियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमूल पुरुष हैं। तो ऐसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना जिंदगी देश के लिए, देश की अखंडता के लिए उन्होंने समर्पण कर दिया, बलिदान किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने संगठन के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे दोनों के आज प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो जैसे मैंने पहले बताया तो माँ त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन की भाग्य भी मिला और यहाँ माल्यार्पण की भाग्य भी मिला और आप सबके साथ 5-10 मिनट बात करने का, संवाद करने का भाग्य भी मुझे मिला। वो तीनों के लिए मैं हमारे नेता रामपाल जी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी धन्यवाद देता हूँ। একের পর এক নিষ্পাপ প্রাণ তখন রাজ্যকে সেই মহামারীর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং করোনা আক্রান্তদের সঠিক পরিষেবা দানের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলার অঙ্গীকারে নিয়ে এগিয়ে আসা রাজধানীর অন্যতম স্বনামধন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ডিভাইন টাচ মেডিক্লিনিক।
এই সংস্থার কর্ণধার রাজীব রায় এবং লিটন সাহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাজধানীর জিঞ্জার হোটেলে গড়ে তোলা হয় কোভিড কেয়ার সেন্টার, যেখানে কোভিডে আক্রান্ত রোগীদের বাড়ি থেকে নিয়ে এসে সুস্থ করে পুনরায় বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয় ডিভাইন টাচ মেডিক্লিনিক। উক্ত কোভিড কেয়ার সেন্টারে রয়েছে অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং নার্স, যারা নাকি 24 ঘন্টা করোনা আক্রান্তদের শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখেন। পাশাপাশি রয়েছে চিকিৎসকের পরামর্শ এবং সময় মতো খাওয়া দাওয়ার সুবন্দোবস্ত। ডিভাইন টাচ মেডিক্লিনিকের চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন রাজ্যের স্বনামধন্য রসায়ন শিক্ষক ডক্টর অরিজিৎ দাস সহ আরো অনেকেই। প্রত্যেকেই ডিভাইন টাচ মেডিক্লিনিকের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য জানিয়েছে সাধুবাদ। আমি ডক্টর অরিজিৎ দাস, আমার নিজের জন্য কোনো ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার দরকার নেই, আপনারা তো চিনেন সবাই আমাকে। আমি বেসিক্যালি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছি এবং 31st কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ে, তারপর 1st May আমি ডিভাইন টাচ এখানে জিঞ্জার হোটেলের যে স্পেসটা ইউজ করে সে ডিভাইন টাচ আমি এখানে পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য আসি। অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছিল এরা, অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে আমি এখানে আসি। আসার পর মানে সত্যি মানে প্রথম থেকে শুরু করে একদম ইমার্জেন্সি ডিভিশন থেকে শুরু করে ডক্টর কনসালটেশন বা ডক্টরের সহযোগিতা প্লাস এখানে প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীর যে